देखें, ये इतनी सी जाली है, इतनी सी जगह है, उसमें मेरे को इतने सारे बर्तन फिट करने पड़ते हैं, मेरा दिल ही नहीं करता लगाने का इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, क्योंकि आज सुबह से दिल नहीं था, काम में लगी हुई थी, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। और आज हम दोपहर में लगाएंगे मशीन, क्योंकि जो है ना, इतने दिन से हमने मशीन नहीं लगाई, 3-4 दिन से सोच रहे हैं मशीन लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, लेकिन पहले रस्सी की वजह से नहीं लगाई, उसके बाद कोई काम हो गया था, फिर कल जुम्मा था इस वजह से नहीं लगाई, फिर आज हम फारिग हैं तो आज हम मशीन लगाएंगे। और असल में लाइट का भी सोचना पड़ता है ना, कि लाइट जिस टाइम पे हो उस टाइम पे मशीन लगे तो सही है। तो अभी हर लाइट आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में लाइट आ जाएगी। और अभी जो है बस जल्दी से हम तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद मशीन लगाएंगे। मशीन के कपड़े इतने सारे हैं ना, 3-4 दिन हो गए। हालांकि क्योंकि 10 दिन पहले हम आए थे, तब भी 4-5 सूट थे, और अब करते 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 आज मेरे ख्याल दस से पंद्रह सूट हो गए। 6 सूट तुम्हारे हो गए, 5-6 सूट मेरे, हाँ, 5-6 सूट अदनान के। 15 सूट अब तो तीन पक्का दिन है तो हमारे उसमें। वो रस्सी की वजह से ज़ाया हो गए। बहरहाल अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि लाइट आ जाएगी। हाँ, उससे अभी पहले भाई पहले से मैं मैं पहले पानी बाइक भरता हूँ। बाहर निकलवाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना कपड़े निकालती हूँ, मशीन सेट करवाती हूँ। तो लाइट अभी गई हुई है, लाइट आने से पहले जो है ना जल्दी जल्दी से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि कपड़े निकालने के बाद जो है ना इसमें पानी भी भरना है, काफी सारे काम है, इसलिए जो कि लाइट आने से मैं पहले जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना, ताकि लाइट आए डायरेक्ट, जो है मशीन हमने लगानी हो कपड़े डाल के, पानी भी भरना है, अभी तो पानी भरने में भी देर लगेगी, क्योंकि नीचे बाल्टियों से उठा उठा के डालना है ऊपर पानी। ये देखें कितने सारे कपड़े हैं, बेडशीट हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ पापा के कपड़े हैं, कुछ भाई के हैं, ये देखें इसमें, देखें सारे अभी कपड़े हैं। कपड़े भरे पड़े हैं इसमें, तो पता नहीं कितने कपड़े जमा कर लिए। नहीं, अभी सबके सारे ही हैं तुम्हारे इसमें। हैं इसमें, मेरे ज्यादा 2 ही छूट होंगे बस। नहीं, अभी देखती हूँ किसके कितने, और कुछ हाथ से भी धोने लो, वाले हैं इसमें। कोई नहीं हुई खाली। अभी जो है ना, लाइट आने से पहले मेरे को पानी भी भरना है, पानी भरने में भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर ये सफ़ेद शलवार लटकी हुई है, इसको भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है ना सबसे पहले डलते हैं। ये सारे लाइट लाइट कलर हैं जो कि अभी डलेंगे मशीन में, और पापा अब जो है ना मशीन यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड की वजह से जो है ना हमें हमेशा यहीं पर लगानी पड़ती है। बोर्ड असल में है तो यहाँ भी, लेकिन वो काफ़ी ऊँचा है, मशीन का तार छोटा है। तो अभी ये बाल्टी भी भर गई, बाल्टी उठा के इसमें डालेंगे, लाइट आने में भी बस 5-10 मिनट रह गए, इससे पहले पानी भरेंगे, सरफ वगैरह डाल देंगे और लाइट आते ही जो है ना मशीन चला देंगे। चलें जी, अब पानी डाल दें। ये पानी देखें में पूरी डाल दूंगा, खाली कर लेकिन दी है कोई ना, मैंने पानी मशीन। डालने से पहले मेरे को इसके पाए के नीचे अच्छा, वो लगानी गत्ते होगी। लगाने, हाँ, तो गत्ते देखता हूँ कहाँ पर है, पहले ये भर जाए फिर चले जाओ। मिला के देती हूँ, उधर रखे हैं। पानी पापा ने डाल दिया, और अब जो है ना मैं इसमें जल्दी से सरफ डालती हूँ। ये है खारे पानी का सरफ, मीठे पानी का सरफ, दोनों चीजों में चलता है, दोनों दोनों तरीके के पानी में। तो इसको मैं डाल देती हूँ, और लाइट भी मेरे ख्याल से आ गई। और अब जो है ना इसमें कपड़े वगैरह डाल के मशीन चला के मैं जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि कल हमने कबाब पकाए थे, और बस अब मैंने जो है ना रोटी पकानी है और कबाब तलने हैं, बस ये काम है मेरा। तो मैं इसमें कपड़े भी डालती हूँ, लाइट भी आ गई। तो लाइट तो अब आ गई, अब इसमें झाग बनाती हूँ जल्दी से, इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें जो है ना जल्दी से झाग बनेंगे, उसके बाद मैं कपड़े डालूंगी। ये देखें जी, ये चलते ही पानी का कलर देखें कैसा हो गया है, ये सरफ का कलर है सारा, सरफ असल में इस कलर का है ना, ग्रीन कलर का, तो पानी भी ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो चलें अब मैं कपड़े डालती हूँ, कि आज हमने कबाब बनाए थे, कबाब तलने भी थे, रोटियां भी बनानी थी, तो खैर खाना तो खा लिया हमने। और अब ये जो मैंने बर्तन धोए हुए थे ना, ये सारे लगा देती हूँ मैं एक तरफ, क्योंकि ये जो है ना दोपहर से सुबह से ऐसे ही रखे हुए हैं, मैंने सेट तुम्हारे नहीं किए हैं। तुम्हारे जो काम है ना, काम निराले हैं। सुबह के बर्तन धुले हुए होते हैं और शाम में लगते हैं, हैं?
अब ये थोड़े से बर्तन है, थोड़े से बर्तन लगा के लगाने को इसलिए दिल नहीं करता। आप देखें, ये इतनी सी जाली है, इतनी सी जगह है, उसमें मेरे को इतने सारे बर्तन फिट करने पड़ते हैं, मेरा दिल ही नहीं करता लगाने का इस वजह से। तो बाबू थोड़े से मजबूरी है, परेशानी है, वो पूरी है। अब देखो अभी नुकसान हो जाता, अगर ये कांच की होती तो शुक्र है, अगर लगा बच के बच गया। प्लास्टिक की तो खैर है, अब थोड़ी सी अब इतने परेशानी है। टाइम से आप बोल रहे हैं कि यहाँ के लिए अलमारी ला के दूंगा, अलमारी ला के दूंगा, आप आसानी से बर्तन लगा लोगी, लेकिन ला कर ही नहीं देते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, अलमारी का मैंने बोला था, लेकिन अब खर्चे भी तो देखो ना, कितने खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे हैं तुम्हारे हैं, कि तुम सोचते हो कि ये भी आ जाए घर में, वो भी आ जाए, तो फिर ये बताओ कि हम इतना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो घर कैसे बनाएंगे, अपना घर कब होएगा? अपने घर की बात छोड़ें, ये ले कर दिया ना नुकसान है। अब ये देखो एक पूरा सेट खराब कर दिया, अब वो हाथ से गिर गया, हाथ से कर दिया, अभी इसको 3 महीने भी नहीं हुए इस सेट को है, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान करते रहते हो, और फिर बात करते हो कि घर में ये चीज भी नहीं आ जाए, वो भी चीज भी नहीं आ जाए, तो ऐसे तो फिर सारी उम्र हम घर बना ही नहीं सकते हैं। तुम्हारे काम ही निराले काम है, बस क्या कर, खर्चे पे खर्चे बढ़ाता रहते हो, बचत नहीं करने देना कुछ के, 4 पैसे बच जाए मेरे अभी और, गलती और से हाँ। है ना, और हंस रही हो अफसोस करने के बजाय, सही है सही है, मेरा क्या है, मैं तो खर्चा करता रहूंगा, बचेगा ही नहीं पैसा, रहना सारी उम्र किराए के मकान। एक तो लाइट ने बहुत परेशान किया हुआ है, ये 2 घंटे आती है 4 घंटे जाती है, 2 घंटे आती है 4 घंटे जाती है, अब शाम हो गई, ये बस यही कपड़े धुले हैं, दोपहर 2:30 बजे लाइट आई है, 2:30 बजे के बाद से बस यही कपड़े, यानी कि सिर्फ 4 सूट है ना, और अगर मैं ना धोऊँ ना कपड़े तो ये सारे कपड़े पूरे महीने के जमा होते चले गए, है ना। बच्चों को तो बस बोलते रहो बोल के आज तो उल्टा ही नुकसान कर दिया, वो तो चलो शुक्र करो कि ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, छोटा सा ही नुकसान, अगर ये सारी उम्र चलता रहा ऐसे ही तो बस, तो फिर खा लिए कमा लिए जमा कर लिया और घर बना लिया बस, है ना। काश के कोई होता घर में बड़ा मेरी तरह समझदार, ये बच्चे हैं दोनों के दोनों, उनके दिमाग में ही नहीं बैठती क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक लाइन समझानी पड़ती है। चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो कल आएगी थोड़ी बहुत, है ना, वो भी बड़ा होता जा रहा है, सारा कुछ समझाना पड़ता है। जल्दी जल्दी ये करूँ फटाफट, शाम हो रही है, पकाने का भी सोचना है आज, तो पकाने का भी अभी कुछ करा नहीं है, क्या करे क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। तो जी लाइट हमारी आई है 7 बजे, और अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और कपड़े रह गए हैं तकरीबन आधे से कम कपड़े रह गए, बस ये तीसरा चक्कर चल रहा है, यानी कि दोपहर के बाद ये बखा लिए तीसरा चक्कर चल रहा है, यानी कि अगर हिसाब लगाओ तो 10 से 12 सूट धुले, और आपको ये बाइजी दिखाई चलो, यहाँ की अभी लाइट बंद है, ये भी खोलता हूँ मैं, और ये गली में सारे कपड़े लटके हुए हैं, और बाहर गली में जो है काफ़ी लाइटें जल रही हैं, रोशनी वोशनी की हुई है, चले मैं भी लाइट जला दूँ, कौन सा बटन, ये वाला बटन है। अभी ये कपड़े मैंने धो के यहाँ रखे हैं ताकि मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा और बाहर ये सुखाने, एक मशीन में चक्कर लगा हुआ है। तो जी आपने देखा जैसे कि आज जो है ना नेहा ने एक बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया, मेरे लिए तो खैर बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो वो छोटा सा होगा, लेकिन बहुत बड़ा यूँ है कि जो हमारे से गिलास टूटा था वो एक बहुत ही पुराने सेट का गिलास था, आज से तकरीबन 6 साल से भी ज़्यादा हो गए उस सेट को, आज पहली बार उस सेट का एक गिलास टूट गया है। बहरहाल जो होना था वो तो खैर हो गया, अब क्या कर सकते हैं, बस ये था कि मैंने थोड़ा सा बच्चों को डांटा और ताकि वो अपना ध्यान रखा करें, अगर खुदा ना खास्ता वो हाथ से छूट के पाँव पे गिर जाता तो एक नुकसान हो जाता है, पाँव पे लगती या उंगली पे कोई भी कुछ भी नुकसान हो सकता था, कांच की बात थी तो वो तो खैर कांच गिलास अलग चीज़ है कि गिलास का नुकसान हो गया, बहरहाल। और दूसरा ये है कि बच्चे जो है ना इतना फजूल खर्ची करते हैं कि कभी ये कभी वो,
अब कभी ये दिलाते रहो, कभी वो दिलाते रहो, और मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं भी जाहिर है इन बच्चों को कभी ये दिला देता हूँ, वो दिला देता हूँ, अब घर के अखराजात इतने बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी होती जा रही है कि इंसान घर के अखराजात पूरे करे या कुछ बचत करे। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हम किराए के मकान पे रहते हैं, और कब तक आखिर किराए के मकान पे रहेंगे। अल्लाह ताला को जो होगा मंजूर वही होगा कि हम अगर किराए पे ही रहेंगे तो किराए पे रहेंगे, लेकिन उम्मीद और कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए कि एक ना एक दिन हमारे भी हालात बदलें और हम भी अच्छे इस किराए से निकलकर अच्छे अपने मकान पे जा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो व्लॉग है आपको पसंद आई होगी। और दूसरा ये मैं कह रहा था कि जैसे कि आप लोग माशाल्लाह से कमेंट जो है ना बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, यानी कि इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि आपके दिलों में इतनी मोहब्बतें हैं, इतनी मोहब्बत से हमारे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज के जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।